हेलो एवरीवन आज अपने वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आप एज अ फास्ट बॉलर अपनी स्पीड को कैसे इंक्रीज़ कर सकते हो क्योंकि देखिए स्पीड आपकी बढ़ेगी किसी एक एक कारण पर डिपेंड नहीं होता है स्पीड क्या होता है आपका समेजनर ऑफ फोर्सेस जिसमें इकट्ठे होने के बाद आपकी स्पीड बढ़ती है तो मैं आपको ऐसा ही एक ड्रिल बताने वाला हूँ जो आपकी स्पीड को काफ़ी हद तक इफेक्ट करेगी मतलब काफ़ी हद तक आपकी स्पीड इंक्रीज़ करेगी बेसिकली मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं कि ये जो आज ड्रिल हम करने वाले हैं इस ड्रिल में हम क्या करेंगे अपना बॉडी वेट ट्रांसफ़र करने की एक ड्रिल करेंगे इसमें हमारा बॉडी का वेट बॉल के रिलीज़ के साथ साथ बैक टू फ्रंट ट्रांसफ़र होगा तो आपको वीडियो बिल्कुल भी, भी स्किप करने की ज़रूरत नहीं है और आप अगर आपने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आपको हमारी वीडियोस के नोटिफिकेशन इजीली मिलते रहें तो मैं आपको एक ड्रिल के बारे में बताने वाला हूँ जस्ट फॉलो माई वीडियो भाई बॉल दे जरा फेंक के दे दें आ जा ओके तो आपको इसमें क्या करने की ज़रूरत है देखो ये एक ये यहाँ पर इतना ऊंचाई पर है ये आपको ज़मीन से कोई ऐसा चीज़ सेट करनी है जो कम से कम आठ से दस इंच की ऊंचाई पर हो देखो ये मैंने देखा हुआ है यहाँ पर आपको वीडियो दिख रहा होगा आपको क्या करना है आपको इस पर स्टैंड करना है थोड़ा सा और आगे आ गया भाई आपको यह स्टैंड करना है अपना बॉलिंग एक्शन आपका अगर फ्रंट ऑन है तो आपके बैक फुट को आपको फ्रंट ऑन पोजिशन प्लेस करना है अगर आपका बॉलिंग एक्शन साइड ऑन है तो अपने बैक फुट को साइड ऑन बॉलिंग के एक्शन प्लेस करना है थोड़ा साइड में आ तो क्या करना है यहाँ से आपको अपना बॉलिंग एक्शन होल्ड करके जो कि सामने ही हुई जरा तो आपको क्या करना है बस बस भाई आपको क्या करना है यहाँ से अपना बॉलिंग एक्शन होल्ड करके देखिए मेरा मैं आपको एक पूरा डेमो देने वाला हूँ मेरा बॉलिंग एक्शन जो है वो साइड ऑन है साइड ऑन है ऐसे यहाँ से तो मैं क्या करूँगा अपना बॉलिंग एक्शन यहाँ से होल्ड करके बाद यहाँ से बॉल को ईजिली सामने सामने रिलीज कर दूंगा तो यहाँ पर क्या हो रहा है मेरा बॉडी का वेट जो बैक फुट से फ्रंट फुट बहुत फास्ट और काफ़ी स्पीड से ट्रांसफर हो रहा है तो बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ मैं अपने अपने बॉडी के वेट के थ्रू बॉडी के वेट की हेल्प से स्पीड को जनरेट कर रहा हूँ क्योंकि बताऊँ को सबसे बड़ा फैक्टर जो है बॉडी का आपकी फास्ट बॉलिंग में स्पीड जनरेट करने का वो होता है आपका बॉडी का वेट आप वीडियो को फिर से एक बार देखो क्या करना है आपको आप यहाँ से खड़े हो जाइए बड़ा बॉलिंग एक्शन होल्ड करिए सामने किसी को खड़ा करवा लीजिए बॉल को पकड़ने के लिए साइड ऑन आपको मेरा बॉलिंग से ऑन होना तो मैं बॉलिंग अपनी बॉडी को साइड ऑन होल्ड करूँगा और यहाँ से फुल एक्शन होल्ड करने के बाद फ्रंट फुट को नीचे जमीन पर लैंड करना है आपको ध्यान रखना है आपका जो बॉडी स्टैंड रहेगी वो किसी ऊंची जगह पर स्टैंड करना है फिर अपना फ्रंट फुट नीचे लैंड करना है और बॉल को रिलीज कर देना है लुक टू मी मैं यहाँ पर ज़्यादा फोर्स से नहीं रिलीज कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास माइक लगा हुआ है इसलिए माइक प्रो हिल जाता है आपको क्या करना है आप जब बॉल को रिलीज करो तो मेक से और आप खड़े खड़े जितना फोर्स जनरेट कर सकते हो उतना फोर्स जनरेट करो और आपको एक बात ध्यान रखनी है आपको हाथ से बॉल कब छोड़ना है आपका फ्रंट फुट का कॉन्टैक्ट जैसे ही आपका फ्रंट फुट का कॉन्टैक्ट ग्राउंड पे होगा कॉन्टैक्ट मीन्स आपका जैसे ही फ्रंट फुट ग्राउंड पर लैंड करेगा जस्ट आफ्टर लैंडिंग द फ्रंट फुट आपको बॉल हाथ से रिलीज करना है ध्यान रखना इस पूरी डील में सबसे आ, आपको पॉइंट वाली चीज़ क्या है आपको बॉल रिलीज कब करना है आपको बॉल रिलीज़ करना है आपका फ्रंट फुट जैसे ही ग्राउंड पर कॉन्टैक्ट करेगा वैसे ही आपको बॉल रिलीज करना है और देखिए इस डील को आपको कम से कम डेली सात से आठ ओवर आप डालिए अपने प्रैक्टिस सेशन में आपको इसका जो इसका इफेक्ट आपको इंस्टेंटली देखने को नहीं मिलेगा लेकिन आपको जब आप इसके 10 से 15 दिन इसकी आप प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको अपनी बॉलिंग में ऑटोमेटिकली आपके वेट ट्रांसफर होगा उससे तो आपको अपनी स्पीड को आप मेजर करके देखिए आपको कुछ चेंजेस जहाँ जरूर मिलेंगे अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए कॉमेंट करिए एंड शेयर विद योर क्रिकेट बडीज़ थैंक यू